हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है महात्मा गांधी पर अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में हमें कोई भी हेडिंग्स नहीं लिखने होते हैं। अनुच्छेद को हम पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ रिलेट करके लिखते हैं। और अगर अनुच्छेद की शुरुआत में या फिर एंड में हम दो पंक्तियाँ लिख देते हैं तो हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित एक नारा लिखा है। आप चाहें तो किसी कविता की दो पंक्तियाँ लिख सकते हैं या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया कोई भी प्रसिद्ध विचार लिख सकते हैं आप। तो यह अनुच्छेद 200 शब्दों का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐनक धोती और लाठी है जिसकी पहचान, वो है हमारे बापू महात्मा गांधी महान। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वह सबसे प्रिय और सम्मानित भारतीय नेताओं में से एक थे जिन्होंने एक अनोखे तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर प्रांत में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी ने अपनी स्कूली शिक्षा गुजरात के अल्फ्रेड हाई स्कूल से की। महात्मा गांधी ने 1883 में कस्तूरबा गांधी से शादी की थी। इंग्लैंड से कानून की डिग्री हासिल कर वे भारत लौट आए और जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। गांधी जी ने कई स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत की जिनमें दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख थे। इन सभी आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने के लिए अहिंसक साधनों का उपयोग किया। अंततः 1947 में गांधी जी के प्रयासों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया। दुर्भाग्य से हमने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को खो दिया। नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दागी और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह अनुच्छेद? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।